हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बजे हैं 10। अभी तक चाय नहीं बनी, चाय बना रहा हूँ। फिर जाऊंगी थोड़े गार्डन में, क्योंकि पौधे पानी की जरूरत है, अभी तक दिया नहीं है। और हाँ, आप सबको शुभ नवरात्रि का हार्दिक अभिनंदन। और आप बहुत अच्छे रहिए, मजे कीजिए, आनंद कीजिए, पूजा कीजिए, और आप सबको खुश रखिए, खुद भी खुश रहिए। आ गया है, और अभी तक ना दोनों घर संभालते संभालते मैं बिल्कुल पागल हो गई हूँ। कुछ भी नहीं किया, ना थोड़ा साफ सफाई किया, ना कुछ। एक दिन तो आप लोगों ने देखा कि मेरे बाबा मैके में मेरा लड़का जिस रूम में रहता है वो उससे थोड़ा क्लीन व्लीन किया। आज पापा का रूम करूंगी, कल दो जेठ लोगों का रूम हो गया है क्लीन करना। बेटे के रूम आज कर भी सकते है कि कल करेंगे, ठीक नहीं है। टाइम जैसा मिलता है ना वैसा ही कर लेते हैं। चलिए आप लोग भी मेरे साथ चलिए, जल्दी करके नीचे चलते हैं गार्डन में। थोड़ा पानी वानी देना जरूरी हो गया है, क्योंकि मैं देती नहीं हूँ ना, इसलिए मुझे ठीक से पता भी नहीं है कैसे वो पानी का पाइप लगाओ, वो ये वो करो। तो चलिए चलिए देखते हैं, जाते जाते तो समझ में आ ही जाएगा ना। ऊपर से फेंक दिया और पूरा पॉट गया, बहुत बुरा हाल करता है। बुरा हो गया था पुराना, और पौधा भी एकदम सूख गया था। और फल देखिए, फ्रूट्स भी ऐसे हो रहा था। बहुत मजे की बात हुई आज, अचानक से प्लान बन गया। प्लान मतलब we'll be right back.
गई। एक्चुअली हुआ क्या है, कल तो सुबह 9:30-10 बजे ये ब्लॉग स्टार्ट किया था, पर अचानक से गार्डन में प्लांटों को पानी देने के बाद ही एक प्लान बन गया कुमाटू ले जाने का, तो वो मौका तो मैंने छोड़ी नहीं। और क्योंकि इस टाइम कुमाटुली में देखने लायक बहुत कुछ है, लगता है देवी माँ जैसी मैके आ रहा है एकदम। आप लोगों को क्या बोलूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो सब देखना। तो मैं गई और कहाँ से कहाँ टाइम निकल गया, शाम हो गया। एक बार घर आए थे, खाना वाना खाए, सबको खाना खिलाए, फिर पापा के घर एक बार गए, पापा को एक तरह खाना वाना खिला के फिर से कुमाटुली चले गए और थोड़ा बहुत बीज भी लिया और मन भर के देखा देवी माँओं को। कितने सारे देवी माँ, कितने सारे लोग अपने अपने काम कर रहे थे, जैसे लग रहा था हाँ अब शायद पूजा आ रहा है। पर इस साल एक चीज़ बहुत कॉमन है, क्योंकि ये इस साल हर देवी माँ का साइज जो होता था पहले उससे बहुत छोटा है, जैसे घर का ही पूजा हो। दो चार ही ऐसे दिखने को मिला जो बड़े बड़े पूजा में दिखने को मिलता है, पर उतना बड़ा भी शायद एक या दो देखे मूर्ति, बड़ा मूर्ति। चलिए वो भी मान लिया, अरे देवी माँ आ रहा है ना, तो दिल की खुशी में ये सब सब कुछ जायज़ है। और अब सोचते हैं कि ये ब्लॉग आज यहीं ख़त्म कर दे, क्योंकि बहुत खींच रहा है, टाइम भी हो गया, कल शुरू किया था आज अभी तक ख़त्म नहीं किया। तो चलिए फिर से विदा लेते हैं, टाटा बाय। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन एंड बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं आपका, और आभारी हूँ आप लोगों का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।